कौन है मोहम्मद मुस्लिम जिसके पैसे से रची गई उमेश पाल हत्याकांड की साजिश, जिसको अतीक का बेटा बार बार पैसे को लेकर दे रहा था धमकी। मोहम्मद मुस्लिम के साथ साबरमती जेल से संपर्क में था अतीक। प्रयागराज में 24 फरवरी को अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से यूपी में सियासत इस कदर तेज हुई कि विधानसभा में अतीक को मिट्टी में मिलाने का बयान सीएम योगी को देना पड़ा। इसके बाद से उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक सूत्रों को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। तो वहीं 15 अप्रैल की शाम पुलिस कस्टडी में अतीक और उसके भाई को 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक की हत्या के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच अतीक के बेटे असद, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उसका एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मोहम्मद मुस्लिम को धमकी देते हुए सुना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है मोहम्मद मुस्लिम जो अतीक के अंतिम समय में ले रहा था पंगा। लखनऊ के जिस बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम और एनकाउंटर में मारे गए असद के बीच पैसों की लेन देन का ऑडियो वायरल हो रहा है, मोहम्मद मुस्लिम प्रयागराज का हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक मोहम्मद मुस्लिम पर गुंडा एक्ट, जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने जैसे 16 केस दर्ज हैं। ये सभी केस प्रयागराज के खुल्दाबाद, करेली, धूमनगंज और लखनऊ के वजीरगंज थाने में दर्ज हैं। इसी मोहम्मद मुस्लिम के लखनऊ के डालीगंज इलाके में बने बली ब्रदर्स अपार्टमेंट पर बीते दिनों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA का बुलडोजर चला था। वायरल हो रहे ऑडियो को इसी साल का बताया जा रहा है। चर्चा है कि इसी साल की शुरुआत में अतीक अहमद ने साबरमती जेल से बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमकाया था। ये धमकी रंगदारी के पैसे के लिए दी गई थी। इसके बाद 9 जनवरी को अतीक के बेटे असद ने मोहम्मद मुस्लिम को फोन किया था। मुस्लिम ने फोन नहीं उठाया तो असद ने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा। इस मैसेज से बिल्डर डर गया और फिर उसने फोन उठाया। इसके बाद असद और मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत का जो ऑडियो सामने आया है उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये बातचीत उमेश पाल हत्याकांड के लिए पैसे जुटाने के लिए की जा रही थी। इस धमकी भरी बातचीत के बाद असद ने बिल्डर को मैसेज भी किया था। इस मैसेज में लिखा था, बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, परसों तक चाहिए कोई भी कीमत पर, कुछ भी रखा हो तो कल तक चाहिए, जरूरत है, बहुत जरूरत है। मोहम्मद मुस्लिम जब पैसे नहीं दे रहा था तो असद सीधा मोहम्मद मुस्लिम के घर पहुंच जाता है। इसका भी एक ऑडियो टेप सामने आया है। अतीक और उसके बेटे असद का ऑडियो टेप सामने आने से पहले खुलासा हुआ था कि साबरमती जेल से भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अतीक अहमद अपना सिंडिकेट चला रहा था। कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसके बाद बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दिए थे। बताया जा रहा है कि इन पैसों का ही इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। पिछले दिनों जो अतीक का व्हाट्सएप चैट वायरल हुआ था वह मैसेज मोहम्मद मुस्लिम को ही अतीक ने भेजा था। तो ये थी अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।